वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन स्क्वाड। मेरा नाम है हुमा अरूज। मैं हूं अरमजा। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में आज हम एक वर्ल्ड कप की उनकी जो है सारी हाइलाइट्स वगैरह चीजें देखेंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और हम सब कुछ यहाँ पे अभी जो है ना इस वीडियो के अंदर देखेंगे और रिएक्शंस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस की परफॉर्मेंस किस तरह की थी। और बहुत 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 मुबारक हो इंडिया वालों को वर्ल्ड कप जीतने की। दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब आपकी खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसे बयां करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीते कई घंटे बीत चुके हैं मगर मेरे रोंगटे हैं कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे, मेरे आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे, मेरा मन है कि खुद को बार बार मैच की हाइलाइट्स देखने से रोक नहीं पा रहा है। मैं पुराने जमाने का कोई राजा होता ना तो इस मौके पर पूरे इलाके में सोने की अशर्फियां बंटवा देता। मैं किसी राजा के दरबार में नर्तकी होता तो नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ देता। सच में क्या ही कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने का 13 सालों का सूखा टूट ही गया। इस जीत के साथ ही 29 जून 2024 का दिन हर इंडियन की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए स्पेशल हो गया है। भगवान करे जिंदगी में ऐसे मौके और आए, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 के हो, आज से 10-20 साल बाद भी 29 जून का दिन आपको याद जरूर आएगा। ये एक ऐसा लम्हा होगा जिसे याद करके आप इमोशनल जरूर होंगे। समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूं, तो सबसे पहले आखिरी से शुरू कर लेता हूं। आखिर में जब अफ्रीकी टीम को 4 ओवर में सिर्फ 26 रन जीतने के लिए चाहिए थे तो लगा था कि हम एक और फाइनल हार गए, लगा कि आज रात फिर रोकर ही बीतने वाली है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि भाई आप में जीत की भूख कितनी है, क्या आप आखिर तक हार मानते हैं या नहीं मानते। और यहीं पर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ गई। हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप से बाहर जाती स्लोअर बॉल को कट करने के चक्कर में क्लासन पंत को कैच देकर आउट हो गए, मगर अब भी मिलर क्रीज पर थे। येनसेन भी आखिर में अच्छे हिट मार लेते हैं, केशव महाराज भी आने बाकी थे और रन इतने कम थे कि लगा ही नहीं कि कोई कमाल हो पाएगा। मगर यही मौका था जब टीम इंडिया ने कसम खा ली कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अगले ओवर में बुमराह येनसेन का डंडा निकालकर उन्हें बाहर कर देते हैं। फिर हर्षदीप ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर कमाल कर दिया, मगर मिलर अब भी क्रीज पर खड़े थे। हार्दिक आखिरी ओवर करने आते हैं, वो ऑफ स्टंप के बाहर एक लोअर फुल टॉस देते हैं, मिलर पूरा जोर लगाकर बिल्कुल सीधा मारते हैं, बॉल हवा में जाती है, लगता है कि सिक्स लग जाएगा। तभी वो मोमेंट आता है जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार पलों में एक माना जाएगा। सूर्य कुमार यादव लड़खड़ाते हुए बाउंड्री से कैच हुआ की दूरी पर मिलर का कैच पकड़ लेते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है, लगता है वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे। वो बॉल को हवा में उछाल कर अंदर फेंकते हैं और इससे पहले कि बॉल नीचे गिरती वो फिर से उसे लपक कर वो करिश्मा कर दिखाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो भारत को इस वर्ल्ड कप को जीतने में बहुत सारे खिलाड़ियों का हाथ रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का रोल रहा है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने अगर वो हैरत अंगेज कैच न पकड़ा होता तो भारत फाइनल हार भी सकता था। फर्ज कीजिए पहली गेंद पर मिलर छक्का लगा देते तो बाकी की 5 गेंदों में 10 रन बनाना उनके लिए कोई बड़ा खेल नहीं था, मगर सूर्या के उस एक कैच ने मैच लगभग वहीं सील कर दिया। जिस हार्दिक को पूरे आईपीएल में लोगों ने बू किया, जिस हार्दिक और रोहित की लड़ाई में क्रिकेट फैंस ने हार्दिक को खूब गालियां दी, जो हार्दिक अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी नेगेटिव खबरों को लेकर लगातार चर्चा में थे, उन्हीं हार्दिक ने आखिर के 2 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत को एक हारा हुआ फाइनल जितवा दिया। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इस जीत का क्रेडिट किसे दूं। लोग पूरे टूर्नामेंट में रन न बनाने के लिए विराट को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि फ्लॉप हो गया, बैटिंग नहीं आती, टीम से इसको निकालो, जायसवाल को खिलाओ। उसी विराट ने फाइनल में वो टाइम पर रन बनाए जब भारत ने 31 रन के आसपास 3 विकेट गंवा दिए थे। लग रहा था कि भारत की टीम कहीं 100-125 रन पर सिमट न जाए। विराट ने पहले अक्षर के साथ पार्टनरशिप करके टीम को मुश्किल से निकाला, फिर एंड में 3 ओवर में पावर हिटिंग करके टीम इंडिया को 175 के पार पहुंचाया। आप जरा सोचिए विराट के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार जो पूरे टूर्नामेंट नहीं चलता है, जो शायद अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था, जो शायद अपना आखिरी T20 मैच भी खेल रहा था, वो उस फाइनल सबसे ज्यादा रन बनाता है और भारत को 17 साल बाद T20 क्रिकेट में चैंपियन बना देता है। सच में यार, इससे ज्यादा ब्लिसफुल फीलिंग और क्या ही होगी। सच कहूं तो कल विराट को मैच विनिंग पारी खेलता देखकर और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतता देखकर वैसी ही खुशी हुई जैसे 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर सचिन तेंदुलकर को लेकर हुई थी। हर क्रिकेट फैन को लगा कि सचिन सर अपने क्रिकेट करियर में एक वर्ल्ड कप जीतना तो डिजर्व करते ही थे। और जैसा कि मैंने कहा, किस किस की तारीफ करूं ये समझ नहीं आ रहा है। यहां मैं एक और चीज अंडरलाइन कर दूं और इसे ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कोई भी टीम जो बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, वो किसी एक आधे खिलाड़ी पर रिलाई करके नहीं जीत सकती, और यही इस टीम इंडिया के साथ हुआ।
आप फाइनल को ही देख लो, फाइनल में बैटिंग में रोहित और सूर्या नहीं चले, विराट और शिवम दुबे चल गए जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, फाइनल में बॉलिंग में कुलदीप ने कमाल नहीं किया, तो लास्ट में हार्दिक ने अपनी बॉलिंग से सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। सूर्या फाइनल में बैटिंग में नहीं चले तो उन्होंने कैच से फाइनल जितवा दिया। बुमराह भाई तो हमारे फेवरेट हैं ही, उन्हें रोबोट इसलिए कहूंगा क्योंकि किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिन रात सुबह शाम मैच दर मैच एक ही लाइन लेंथ पर गेंद करता रहे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की इकोनॉमी रेट 4.5 के आसपास की रही। T20 मैचों में 4.5 की इकोनॉमी, क्या ये मजाक है क्या? फाइनल में भी आखिर में जब लगातार रन जा रहे थे तो लास्ट के उनके दो ओवर ने कमाल कर दिया। और मजे की बात यह है कि बुमराह तो जीनियस है ही, मगर इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप ने लिए। अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बहुत सारे लोग 500 के नोट पर असली बापू की जगह गुजरात के इस बापू की पिक्चर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। मतलब अक्षर भाई ने इस वर्ल्ड कप में अपने गेम का लेवल क्या ही अप किया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में एक हाथ से बाउंड्री पर कैच लेकर उन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने पावर प्ले में ही इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। और फाइनल में जब 3 प्लेयर आउट हो गए, टीम इंडिया डाउन एंड आउट लग रही थी, उस वक्त ऊपर आकर काउंटर अटैकिंग इनिंग खेलकर उन्होंने पूरा मैच पलट डाला। मतलब क्या ही तारीफ करूं इस बंदे की। बापू तुम सच में कमाल है भाई, तुम्हें ये पूरा देश झुक कर सलाम करता है बापू, झुक कर। उसी तरह कुलदीप भाई की बात न करें तो लगेगा कि एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर को हमने मिस कर दिया है। कुलदीप यादव ऐसे हर प्लेयर के लिए एक मिसाल है, या यूं कहूं कि ऐसे हर एक इंसान के लिए मिसाल है जिसे अपनी लाइफ में बुरे दिन देखने पड़ते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले कुलदीप यादव पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में बेंच पर बैठे रहे। मतलब टीम इंडिया ने रिजर्व प्लेयरों को चांस दे दिया था मगर कुलदीप को नहीं खिलाया था, मगर उसके बाद उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, वेरिएशन पे काम किया और देखो आज वो कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब हर किसी की पिटाई हो रही थी, यहाँ तक कि एक ओवर में बुमराह की भी पिटाई हुई, उस टाइम अकेले कुलदीप ने टीम इंडिया का मैच में कमबैक करवाया। इंग्लैंड वालों को भी समझ में नहीं आया कि कुलदीप को कैसे खेलना है। इसीलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कल अगर टीम इंडिया जीती है तो ऐसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से जीती है। कुलदीप भाई के कनपुरिया होने पर उनको एक्स्ट्रा सलाम तो बनता ही। बाकी लास्ट ईयर अगर हम फाइनल नहीं जीत पाए थे तो उसके भी कई रीजंस थे। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि लास्ट ईयर हुए 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले किसी ने टीम इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। इंडिया के टॉप 4 लगातार रन बना रहे थे, लोअर मिडिल ऑर्डर भी ट्राई नहीं हुआ था, बॉलर भी किसी मैच में अंडर प्रेशर नहीं आए थे। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल से पहले बहुत सारे क्लोज मैच जीते। हमने पाकिस्तान को 120 जैसे छोटे टोटल के अंदर भी हरा दिया। हमने ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने 206 का टोटल भी डिफेंड किया। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने स्लो पिच पर 170 बनाए और अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में पहले 3 विकेट गिरने के बाद भी 176 बना डाले। फिर सेकेंड इनिंग में जब लग रहा था कि अफ्रीका आसानी से जीत जाएगा तब आखिर के 4 ओवर में 26 रन डिफेंड किए। अब इससे आप क्या समझे? इससे यही समझना चाहिए कि भाई कोई भी टीम तुक्के से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। आपको लगातार कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है, आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ता है। आप सिर्फ 2 या 3 प्लेयर पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको लास्ट तक हार नहीं माननी होती है। एज अ भारतीय मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने वो सब कर दिया जो एक चैंपियन टीम करती है। हम लास्ट तक लड़े, हमारा हर प्लेयर लड़ा, हमारा हर प्लेयर खेला और पूरी टीम एक यूनिट की तरह लगी रही। आपको याद होगा हमने 50 ओवर के फाइनल की हार के बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यही कहा था कि हम लोगों को इस हार से दिल छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि टीमें रातों रात चैंपियन नहीं बनती। तब हमने आपको ये बताया था कि कैसे एक वक्त टीम इंडिया वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाती थी। फिर वो वक्त आया जब हम सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंचने लगे लेकिन लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते थे। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि आप देखिएगा जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि जब टीम इंडिया फाइनल में चोक करना बंद कर देगी। जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। पिछले 2 सालों में ये टीम इंडिया का 4th ICC फाइनल था। इससे पहले हम 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर हार चुके थे। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का फाइनल हार गए थे मगर इस बार हमने पुरानी गलतियां नहीं की। जैसा कि रोहित ने टूर्नामेंट में कई बार कहा कि हम आखिर तक एग्रेसिव खेलेंगे फिर चाहे कुछ भी हो, और इस बार टीम इंडिया जीती है तो उसका भी यही रीजन है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी विकेट गिरते रहे लेकिन हमने एग्रेसिव खेल जारी रखा। फाइनल में भी शुरू में 3 विकेट गिरे मगर हमारा एग्रेशन कम नहीं हुआ और इसी एग्रेसिव इंटेंट की वजह से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। बहुत मुमकिन है कि ये वर्ल्ड कप रोहित, विराट और जड्डू जैसे प्लेयरों का आखिरी T20 टूर्नामेंट हो, लेकिन इस बात की सच में खुशी है कि ये लोग वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को बाय बाय कहेंगे।
इस बात की भी खुशी है कि जो रोहित 5 बार अपनी मुंबई की टीम को आईपीएल का चैंपियन बना चुके थे, फाइनली उन्होंने टीम इंडिया को भी वर्ल्ड कप चैंपियन बना डाला। और इस बात की तो सबसे ज्यादा खुशी है कि टीम इंडिया के ऊपर फाइनल मैचों में चोक करने का जो लेबल था वो अब हट जाएगा। सच में यार, और क्या कहूँ, कितना कहूँ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुशी है कि उसे बयां नहीं कर सकता। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक ऐसा खेल ज़रूर होता है जिसमें हार या जीत सिर्फ उस टीम की हार या जीत नहीं होती, उस पूरे देश की हार या जीत होती है। अगर यूरोप के लिए, साउथ अमेरिका के लिए वो खेल फुटबॉल है, तो हमारे लिए वो खेल क्रिकेट है। और एक क्रिकेट फैन के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी टीम की अचीवमेंट नहीं है, एक भारतीय के तौर पर ये हम सब की अचीवमेंट है। क्योंकि प्लेयर की तरह एक फ़ैन भी उन सारे इमोशन से होकर गुजरता है जिससे प्लेयर्स गुजरते हैं। इसलिए आप और हम भी इस जीत को सेलिब्रेट करने के उतने ही हकदार हैं जितने वो प्लेयर्स। तो ये रही मिस हाइलाइट्स, मैं कहूंगा मुझे बहुत मजा आया। सारे रीकैप जो है ना पूरे वर्ल्ड कप का मुझे मिला इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत कुछ मैच में मिस किया था, ठीक है, लेकिन इन हाइलाइट्स में बहुत कुछ नजर आ गया है। वो जैसे वो एक कैच बताया जा रहा है जो बाउंड्री से किया, कमाल का था। इस पूरे मैच और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और मैचेस में भी बाउंड्री से कैच पकड़े हैं और बहुत कमाल के मोमेंट्स हैं। अभी का जो मोमेंट है कि वो अगर कैच ना पकड़ा जाता और वो सिक्सर लग जाता है तो वो 5 गेंदों पे लाइक 10 स्कोर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, जब प्लेयर को ही आउट कर दिया, भाई हटा ही दिया उसके मकसद से, तो पीछे रह के आ गया। मतलब मैच के ऊपर या कोई भी किसी भी गेम के ऊपर बात की जाए तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही। और ये फैंस वाली बात जो उन्होंने बोली है कि फैंस भी उतने ही इमोशंस रखता है जितना एक खेलने वाला प्लेयर रखता है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, अभी ये सिर्फ इनके इंडिया के प्लेयर्स के लिए मुबारकबाद नहीं है, उनके पूरे मुल्क के लिए, पूरे बिल्कुल फैंस के लिए, जो सबके लिए है ये, कंग्रेचुलेशन सबके लिए है। ये इतना बड़ा ट्रॉफी उनके यहाँ चला गया, तो ये 29 जून है ये इनके लिए हमेशा के लिए मेमोरेबल रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो है ना, जो ये बात कर रहे थे कि शायद ये मैच हो सकता है कि विराट का और रोहित का जो आखिरी मैच हो, अच्छा, तो मुझे जो है ना बड़ी फीलिंग्स आ रही हैं यार कि वैसे अगर हम अगर उनको गुड बाय, मतलब मिस तो करेंगे ही, लेकिन वो अगर गुड बाय कर रहे हैं तो वो एक बहुत भरे प्लेटफॉर्म अचीवमेंट के साथ जो है ना वो गुड बाय इस प्लेटफॉर्म को कहेंगे। और हम डेफिनेटली उनको मिस करेंगे और उनको कहीं ना कहीं हम शूट्स में, उनके एड्स वगैरह में, उनको इंस्टा पे लाजमी उनको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि क्या क्या अपडेट्स हैं। आप भी जो है हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।